बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। जो शख्स आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के दिन 100 मरतबा ये पढ़ ले, वो ज़िंदगी भर मालदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमतुल मुबारक का दिन है और बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही बाबरकत महीने का आखिरी दिन है और वो भी जुमे का दिन। आज इस बबरकत दिन आपने फजर की नमाज के बाद या किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा ये छोटा सा दरूद पाक पढ़ना है। ये वो दरूद पाक है जिसको पढ़ने वाला जिंदगी भर कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। इस दरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक रिज्क में, माल में खूब बरकत और फरावानी अता फरमाते हैं। जो ये दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक इसको गनी कर देते हैं, यानी इतना रिज्क अता फरमाते हैं कि वो अल्लाह के सवा किसी का मोहताज नहीं होता, वो लेने की बजाय देने वाला बन जाता है आता है। तो आज इस बबरकत दिन, रमज़ान के आखिरी दिन और जुमा के मुबारक दिन ये दरूद पाक लाजमी पढ़ें। वो दरूद पाक ये है कि जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि इसका माल बढ़ जाए और इसमें बरकत हो, उसे चाहिए कि वो ये दरूद शरीफ पढ़ा करे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ले अला मोमिनीन वल मोमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, वो अपनी दुआ में ये दुरूद पढ़े। एक औरत थी, इसका लड़का बहुत ही गुनाहगार था। उसकी माँ उसको बार बार नसीहत करती मगर वो बिल्कुल नहीं मानता था। इसी हाल में वो मर गया। इसकी माँ को बहुत ही रंज था कि वो बगैर तोबा के मरा। इसको बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह इसको ख्वाब में देखे। इसको ख्वाब में देखा तो वो अजाब में मुब्तला था। इसकी वजह से इसकी माँ और भी ज़्यादा सदमे में हुई। एक ज़माना के बाद उसने दोबारा ख्वाब में देखा तो बहुत अच्छी हालत में था, नहायत खुश व खुर्रम था। माँ ने पूछा कि ये क्या हो गया। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा गुनहगार शख्स इस कब्रस्तान से गुजरा। कब्रों को देखकर उसको कुछ इबरत हुई, वो अपनी हालत पर रोने लगा और सच्चे दिल से तोबा की और कुछ कुरान शरीफ और 20 मरतबा दुरूद पढ़कर इस कब्रस्तान वालों को बख्शा जिसमें मैं था। उसमें से जो हिस्सा मिला उसका ये असर है जो तुम देख रही हो। मेरी अम्मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद दिलों का नूर है, गुनाहों का कफारा है और जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए रहमत है। आप आज इस बाबरकत दिन इस दुरूद पाक को लाजमी पढ़ें और अल्लाह की रहमतें बरकतें पूरा साल बेटें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।